So hi everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the channel. So NABARD students were complaining कि आप हमारी तो बात करते नहीं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम डेट्स होंगे. तो गाइस आज से हम स्टार्ट करेंगे NABARD की बात करना भी, बिकॉज देखो जब कोई इन्फॉर्मेशन होती है तभी उस पर बात करना चाहिए, अननेसेसरी हवा में तीर मारना इज नॉट द आइडिया. ऑलराइट, सो एग्जाम डेट्स क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन क्या है, ये तो आपको कई जगह से पता चल गया होगा ऑलरेडी, आई नो दैट. बट इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू समथिंग मोर दैट व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, एंड डोंट वरी NABARD स्टूडेंट्स, वी ऑल आर विद यू. ठीक है, जैसे हमने आरबीआई के लिए अभी भी चल रही है जो इंटेंस रिवीजन क्लासेस चल रही हैं आरबीआई के लिए, उसी तरीके से द सेम वे वी विल बी कंडक्टिंग द रिवीजन क्लासेस फॉर NABARD स्टूडेंट्स एज वेल. ऑलराइट, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट, NABARD के बारे में भी सब कुछ आपके सामने आएगा. ठीक है, तो बात करते हैं. सबसे पहले आज हम चार चीजों की बात करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेशन. वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हेन इज द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स. देयर आर टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ, जिसके बारे में हम बात करेंगे, एंड वेदर यू शुड फोकस ऑन फेज वन और फेज टू. राइट, सो दीज फोर थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी दैट वॉट यू शुड डू राइट नाउ एंड हाउ यू शुड मूव अहेड. राइट, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको मुझे मालूम है कई लोगों को पता होगा, बट ठीक है, जब तक मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा. राइट, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है इन दिस मंथ ओनली, इन द मंथ ऑफ जुलाई. We can expect the notification in the upcoming month, that is the month of July. कभी भी आ सकता है. And information तो ये है that NABARD is just waiting कि RBI के exam हो and then we'll just put the notification. All right. And ऐसे भी कुछ rumors उड़े थे initially that NABARD is going to recruit the NABARD grade officers twice this year, but ऐसा नहीं हुआ. तो again the expected notification is in the month of July 2023. And why I am saying it certainly, because NABARD generally, except there are certain circumstances, never breaks its cycle. Right? Uska cycle yahi rehta hai, July, August mein notification and then uske ek ded mahine ke baad exam. So what will be the expected exam dates then? Expected exam dates, guys, will be the month of September as usually. Hamesha ki tarah, September. And you can expect the examination anywhere around 15th of September. 15th September ke aaspaas aap kabhi bhi एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना. आई एम टॉकिंग अबाउट फेज वन, एंड आफ्टर वन मंथ ऑफ फेज वन यू कैन एक्सपेक्ट योर फेज टू एग्जामिनेशन. ठीक है, सो दीज आर दी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन एंड एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स, बट दैट इज नॉट द मेजर कंसर्न, बिकॉज नोटिफिकेशन विल डेफिनेटली कम, वी ऑल नो दैट. द मेजर कंसर्न इज वॉट शुड वी डू राइट नाउ एंड हाउ शुड वी प्रोसीड विद द प्रिपरेशन ऑफ NABARD. सो लेट मी टेल यू दैट. First of all, in my opinion, there are two categories of students. And which are these two categories? Number one are those who are preparing for RBI. And number one are those who are preparing only for NABARD. Right? Number one, who are currently preparing for RBI and going to write the phase one on 9th of July. And दूसरे वो हैं जो कि सिर्फ NABARD की तैयारी कर रहे हैं, वो RBI की तैयारी नहीं कर रहे. Right? अब इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैं आप लोगों को बता दूं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एंड दे आल्सो वांट टू गिव NABARD एग्जाम. सो गाइस डोंट वरी, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पीछे चल रहे हो, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट द NABARD सिलेबस एंड आरबीआई सिलेबस, सो मेनी थिंग्स आर ओवरलैपिंग एक्सेप्ट अ फ्यू टॉपिक्स. नंबर वन, दैट इज द मेजर टॉपिक, दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नॉट ओवरलैपिंग. कंप्यूटर अवेयरनेस, which is of qualifying nature, decision making, which is again of qualifying nature. Right? So I believe these are the three only topics which are different from RBI in NABARD. Okay? So talking about RBI people, so you guys are already preparing for NABARD. Why? Because you guys are preparing for Quant, Reasoning, English, GA, right? Which are the part of NABARD. You are preparing for ESI, which is the part of NABARD as well. So what you have to do, After 30th July, you just have to focus on ARD, Agriculture and Rural Development. Why? Because computer awareness and decision making are of qualifying nature. Computer awareness, you can easily qualify. Last year, halaki thode se difficult question the. So you can just go through the YouTube videos. You'd be able to qualify that.
डिसीजन मेकिंग इज नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई. डिसीजन मेकिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो आरबीआई का मैनेजमेंट में आप पढ़ रहे हो दैट इज द सेम. उसके लिए आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. तो आरबीआई पीपल विल हैव टू फोकस ऑन एआरडी आफ्टर 30th ऑफ जुलाई व्हेन द फेज 2 विल बी कंडक्टेड ऑफ आरबीआई, राइट. अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि यार एआरडी कैसे करेंगे, आई एम अ नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, आई एम अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, हाउ वुड आई बी एबल टू डू द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. डोंट वरी इन फेज 1 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस दे जनरली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द करंट अफेयर्स एंड द रेस्ट 20 क्वेश्चंस आर द बेसिक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. दिस थिंग आई हैव टोल्ड यू गाइस वेरियस टाइम्स कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये कोर एग्रीकल्चर की बात नहीं होती है. When they are talking about NABARD grade A general, right? General की बात करते हैं तो वो general questions ही पूछते हैं. That is general in a way. ठीक है जी. और कहां से करना है, कैसे करना है, इन सब के बारे में हम एक separate videos लेके आएंगे. Don't worry. तो that is all about the people who are right now preparing for NABARD, RBI. Now let's talk about those people who are who will only be giving the NABARD examination this year. So guys, देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो. What are you waiting for? First of all, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो. So मत करो ना. Because remember, the people who are preparing for RBI, who are going to give RBI this time, are way ahead than you. Why? Because they are already preparing for various topics which are there in NABARD. So please, just don't wait for the notification and start your preparation from today only. अपनी preparation start कर दो, because around 2.5 months are left for the phase 1. So you guys should start your preparation from today only. So if I would say that you will be starting your preparation from 1st of July, you will get around 2.5 months, right? 2 से 2.5 महीने आपको मिलेंगे. तो इतना चाहिए to clear the NABARD examination. उसके बिना नहीं हो सकता. Don't think कि भाई इतने आराम से हो जाएगा. Because generally, in all the regulatory bodies examination, the vacancies are very less. And the competition, we all know, in every examination is very, very high. Right? So, you should start preparing it from today, right? Now you must be wondering, what should we do? Second, ek kuch hil gaya. One second. Chalo anyways, theek hai. What should we do? Phase 1 or phase 2? Kya hume phase 1 ka preparation karna chahiye ya phase 2 ka preparation karna chahiye? Dekho bhai, in phase 1, there are half exam, half paper is qualifying and half is half is used for deciding the merit, right? The first half, which is of qualifying nature, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. You should not start working on it. दूसरा जो part है, that is ESI, जो merit बनाता है phase 1 में, that is ESI, ARD and GA. That is common with phase 2, जो कि phase 2 से common है, right? So what you have to do is, for the next 1.5 months, you should focus on phase 2 only. For the next 1.5 months, you should focus on phase 2 only, because if you are focusing on phase 2, you are ultimately focusing on phase 1 as well. आप phase 1 पे भी focus कर ही रहे हो, कोई tension वाली बात है नहीं. तो आपको पूरा का पूरा focus अपने ESI और ARD के ऊपर देना है अभी, ठीक है. और ARD की चिंता मत करो, उसके लिए भी हमारे पास solution है, don't worry. फिर उसके बाद in the last 1 month before the examination, you can attempt the mock test, right? You can attempt the mock test. And you can identify the areas in which you have to work, right? You can make use of reverse engineering, because that is of qualifying nature. Quant is very easy to qualify. Reasoning is very easy to qualify. English is very easy to qualify. Sometimes computer awareness becomes very difficult to qualify. So, उस पर आप थोड़ा सा काम कर सकते हो. Decision making is also not that difficult. ठीक है जी. तो वो आराम से हो सकता है, उसमें इतनी problem नहीं है. So, in the last 1 month before the examination, you can go for phase 1, or you can say when the notification will out, उसके बाद थोड़ा सा time आप phase 1 को दे सकते हो. But for the next 1.5 months, you should completely focus on phase 2. Alright, so these are the 4 things guys which I wanted to talk. And one thing let me tell you, SEBI notification इस बार आया नहीं, RBI का आ चुका है, and NABARD is the last one. So this is the last chance, this is going to be the last chance for you guys to get a job in 2023. So I would suggest you to give it everything to this examination, right? Don't think ki mere ko to wahan jana tha, mujhe ye karna tha. Aap mein se kai log aise bhi honge jo UPSC ke abhi pre mein jinka nahi hua hoga. So don't worry, koi problem nahi hai. NABARD is a very good organization.
It gives you a lot of exposure in terms of work, in terms of work, in terms of contacts, everything. ठीक है, तो this is the last chance I would say for this year, right? So you guys should start preparing for it honestly, and you should work very hard and think कि ये बिल्कुल मेरा आखिरी चांस है और इसको मुझे फोड़ना है. ठीक है, डिटेल वीडियो रिगार्डिंग एवरीथिंग, लाइक कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब जो डिटेल टाइम टेबल है हम उसकी भी बात करेंगे, राइट. जो रिवीजन क्लासेस होंगे हम उस पर भी आएंगे, सब कुछ होगा वंस द नोटिफिकेशन इज आउट. ठीक है, डिटेल रिवीजन टाइम टेबल मिलेगा एंड व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट टू एंड हाफ मंथ्स, उसकी भी बात करेंगे. डिटेल टाइम टेबल विल बी प्रोवाइडेड टू यू गाइस. तो हम एआरडी के लिए देखो, जनरली ये कंफ्यूजन रहती है कि हम क्या करें क्या ना करें. सो द बेस्ट थिंग इज you guys can enroll in this course, NABARD graded 2023 phase 1 plus phase 2 complete course. So in this course what we are providing is the live classes of ESI and ARD, right? ARD ki classes to bhi chali rahi hain, and of course 10 mock tests will be provided to you guys, live answer writing practice, right, of both ESI and ARD, as we are doing it with RBI jo hum karne wale hain phase 1 ke baad. And iske alawa 10 mock tests honge, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम होगा इसमें, इन विच यू विल बी एबल टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, फ्रॉम सूरज सर, फ्रॉम अनुज सर, फ्रॉम चेतन सर, किसी से भी आप किसी भी मेंटोर से बात करना चाहते हैं तो यू कैन टॉक टू देम, राइट. एंड टू एनरोल इन दिस कोर्स यू कैन विजिट द वेबसाइट anujjindal.in. हियर इज अ टैब कोर्सेज, यू हैव टू क्लिक ऑन इट, NABARD ग्रेड ए, देन यू विल हैव द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज कोर्सेज एंड यू कैन रीड द डिटेल्स बिफोर परचेजिंग. यू कैन रीड द डिटेल्स एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड यू कैन purchase it. ठीक है, so that is all guys which I wanted to discuss today. I hope this has opened your eyes and I believe and I hope that you guys will start preparing for the upcoming NABARD grade A examination, and I will see you in the next session with something relatable to NABARD and something significant with respect to NABARD. Till then, keep studying and keep studying hard. Goodbye, take care and God bless.